इन्हीं जोरदार ताली होनी चाहिए कि पूरे जतिनगर में सुनाई दे। मैडम, इंडिया को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। फार्मेसी का मतलब जहां दवाइयां बनती हैं, वैक्सीन बनते हैं, हमारे देश को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। कई लोग बोल रहे थे भारत की जनसंख्या इतनी है, पॉसिबल नहीं है, चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज सबके जो चेहरे हैं वो लटके हुए हैं अमेरिका, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यानी हमारे देश ने ये करके दिखाया। और इसके पीछे जो लोग हैं, मेरे बाएं और दाएं आप देख रहे हैं, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपने अपनी जान को बाजी लगा के, क्योंकि कोरोना के बारे में कई लोग तो कोरोना से वैसे डर जाते थे नाम सुनते ही, इन्होंने कोरोना के पेशेंट को डील किया है, कोरोना के पेशेंट के साथ रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन किया है। तो एक बार इन सारे वॉलंटियर्स को, देश के सारे डॉक्टर्स के लिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए, नर्सेस के लिए एक बार जोरदार ताली, तालियां उतनी नहीं चाहिए, आपको लगातार ताली वाला बजनी चाहिए कंटिन्यूअसली। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये बता रहा हूं कि हमारे देश का जो वैक्सीनेशन जो है, जब शुरू हुआ था 16 जनवरी, तो बहुत सारे लोगों को यह अटकलें थी कि क्या देश में वैक्सीनेशन हो पाएगा पूरा, और आज जिस तरीके से हमारा देश पूरे विश्व को वैक्सीन करना चाहता है, ये नहीं कि हम अपने लोगों को, हमारी जो वैक्सीन मैत्री, आपने प्रोग्राम सुना होगा कि हमने वैक्सीनेशन जो वैक्सीन है वो दूसरे देशों को भी दिए, जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जितने लोग हैं सबको वैक्सीन लगे, क्योंकि अगर कोरोना कहीं भी रहेगा, अगर जर्मनी में रहेगा, जापान में रहेगा, बांग्लादेश में रहेगा, सिंगापुर में रहेगा, तो वो हमारे लिए भी खतरा है। इसलिए हम वैक्सीन मैत्री की बात कर रहे हैं, और फिर से हमने वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे देशों को देना शुरू कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि 14,000 से भी कम यानी केसेस मिल रहे हैं, और मुंबई का कल मैं पढ़ रहा था कि मुंबई में बिल्कुल, यानी जहां की इतने ज्यादा केसेस हो गए थे, तो कंट्रोल है। तो ये आज जो हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो बात की, इससे यह पता चलता है कि अगर हम यूनाइटेड होकर रहेंगे, अगर हम एक साथ रहेंगे, अगर हम अपने एक्सपर्ट्स की बात मानेंगे। पहले इसी सेंटर में लोग वैक्सीन लगाने से डरते थे, जब हमारे पास कुछ एसएमसी के सदस्य आते